षष्ठम श्रेणी वा सिक्स स्टैंडर्ड, विषय परीक्षा पर चर्चा, खर्चा वो सफलता लाभ। मेरे प्रिय छात्रों, सुप्रभात से शुरू करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, ये साल तुम लोग एक नए धारा, नए रास्ता पर चलकर तुम लोग अपना अपना परीक्षा संपूर्ण किए। मुझे तो बहुत आनंद वो खुशी हुई जो तुम लोग साल भर का मेहनत की सफलता प्राप्त हुई। सकल जन जीवन में चलने के रास्ते पर हमेशा ही परीक्षा देने पड़ती। यही भयानक परिस्थिति पर सकल मानव सुस्थ वो रोग मुक्त होकर जीवन यात्रा निर्वाह करना भी एक परीक्षा से पास होने जैसा ही है। मेरे प्रिय छात्रों, मेरा एक बात हमेशा ध्यान रखना, परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं, पढ़ाई है ज्ञान लाभ। वो उसी ज्ञान पर निज कर्म पर विकास करना, अपने जीवन यात्रा पर विविध बुक विविध समय पर पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई के समय सीमा दो ही सेमिस्टर तक नहीं होना चाहिए, और परीक्षा हो गया बोलकर अपनी पढ़ाई का अभ्यास ढीला नहीं देना चाहिए। मन में हमेशा ही ज्ञान लाभ करने के लिए एक प्यास रहना जरूरी। ज्ञान लाभ की कोई समय सीमा रहने नहीं चाहिए, ज्ञान लाभ की कोई समय सीमा नहीं होना चाहिए। परीक्षा तो है ही नहीं, तो मन की आत्मतुष्टि मिलती नहीं। अच्छा रिजल्ट मिलने से किसको खुशी नहीं मिलती। अभी मैं खर्चा की विषय में भी दो एक बात बोलना चाहता हूँ। जो परीक्षा पेन और आंसर सीट पर होते थे, अभी मोबाइल और इंटरनेट पर हो रहे हैं, दो ही खर्चा बहुल। अभी नई मोबाइल 4G गतिशीलता क्षमता संपूर्ण लेने से तो और भी खर्चा है ही है, उसी में इंटरनेट उपलब्ध में भी खर्चा और ज़्यादा भविष्य होने से मेंटेनेंस के लिए ही दुकान जाना, उसी में भी खर्चा। मोबाइल खराब होने पर किस को तो दो दो मोबाइल भी खरीदना पड़ा, उसमें भी खर्चा। अभी संस्कृत में एक बात बोलते हैं, जस्मिन देशे यदाचार, यस्मिन देशे यदाचार, अर्थात इस अवस्था में ऑनलाइन छोड़कर और कोई रास्ता भी नहीं है। हमेशा ही मम्मी पापा तुम लोगों को जीवन यात्रा पर पॉजिटिविटी ही देखते हैं, उसी कारण में ही आज तुम लोग सफलता पर शिक्षा लेने में समर्थ हुए। उसी कारण में मेरी तरफ से तुम लोग को, मम्मी पापा को धन्यवाद व श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। इतनी भयंकर परिस्थिति के साथ लेकर तुम लोगों को पढ़ाई का एक साल पूरा किया, इसी में तो प्रशंसा की दावेदारी होनी चाहिए। यही है उन लोगों की सबसे बड़ी सफलता। धन्यवाद।